स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और बेसिकली तो आपको पता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहता हूँ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड बट आज मुझे ना आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प की नीड है और हेल्प ये है कि इस गाड़ी के आपको गाड़ी को तो पता ही होगा खैर मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ शेवरले ऑप्टर मैगनम टू डीजल वेरियंट दो का ठीक है तो इसमें जो है एक छोटा सा टेक्निकल इशू आ रहा है इसके स्पीड मीटर में क्या हो रहा है कि जब गाड़ी अपन चलाते हैं हाईवे पे कहीं पे भी ऐसे नॉर्मली तो अगर मैं गाड़ी हंड्रेड पे चला रहा हूँ ना तो गाड़ी फिफ्टी की स्पीड दिखाता है और अगर मैं इसको एटी पे चलाता हूँ तो फोर्टी दिखाता है समझ रहे हो आप मतलब हाफ स्पीड दिखाता है मैं जितनी भी स्पीड पे इसको चलाता हूँ तो यार मुझे जो लगता है इसका स्पीड स्पीडोमीटर सेंसर होता है ना उसमें इशू लग रहा है मुझे ठीक है और मैंने इसको एक मैकेनिक को दिखाया भी था उसने मुझे नहीं बोला हालांकि इसके स्पीडोमीटर सेंसर में इशू हो सकता है बट मुझे जो लगता है मैं काफ़ी दिनों से गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है ये इशू हो सकता है इसमें और इसका स्पीडोमीटर सेंसर मुझे मुझे कहीं मिला नहीं मतलब मैंने कई ऑटो पार्ट्स वालों से बातचीत भी की बट जुगाड़ हो नहीं पा रहा है आप लोगों से हेल्प मुझे ये चाहिए यार कि एक तो आपको क्या लगता है इसमें क्या इशू हो सकता है और आपको अगर इशू समझ में आ रहा है तो इसका सोल्यूशन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा जहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके मैसेज कर देना मेरी लोकेशन जयपुर के आसपास की है नियर बाई जयपुर से आप हैं तो आप लोग मुझे ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई आपका मैकेनिक या फिर कोई भी ऑटो पार्ट्स वाला ऐसा नॉन पर्सन है जो मुझे इसका स्पीडोमीटर सेंसर की व्यवस्था कर सके तो जो आप मुझे सजेस्ट कर दो मैसेज में प्लीज यार वजह से ना काफ़ी इरीटेटिंग अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बन जाता है यार स्पेशली ओवरटेक जब अपन करते हैं ना तो ऐसा लगता है मतलब समझ में नहीं आता कि किस स्पीड पे ओवरटेक कर रहे हैं और स्पेशली चालान कट गया ओवर स्पीडिंग का पता ही नहीं लगता अब बार बार कौन देखेगी अगर गाड़ी फोर्टी पे चल रही थी एटी पे चल रही होगी अभी और वो नोटिस भी नहीं होता अगर गाड़ी यहाँ चल रही है थर्टी पे मान लो थर्टी यहाँ रहेगी सुई पे और गाड़ी चल रही है स्पीडर स्पीड लिमिट मान लो सिक्सटी की है तो दिखता ही नहीं है गाड़ी थर्टी पे चल रही है वो बस लगता है ध्यान ही जाता वहाँ पे बार बार तो इसकी वजह से यार काफी इशू हो रहे हैं और इस गाड़ी को मैं चाहता नहीं कि कोई भी आ रहा ऐसे ही जिसको नॉलेज भी नहीं है ढंग की वो मैकेनिक इसको देखे फिर छेड़े कोई चीज क्योंकि आपको पता है इस गाड़ी की कंपनी हैनी सर्विस सेंटर हैनी इंडिया में फिर इसको संभालने वाला कौन मिलेगा मुझे ऑफिशियली तो कोई हैनी इसका ठीक है मालिक तो यार ये चीज है काफी दिनों से इसको सफ़र कर रहा हूँ लेके मैं ठीक है तो इसका सजेशन बढ़िया सा सोल्यूशन आप लोग मुझे बता दीजिए ना और मैं आप लोगों से वीडियो बना के स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था मेरा फैन बेल से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो डाला था कि अगर फैन बेल्ट से बहुत ज़्यादा नॉइस आती है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है तो इस गाड़ी के अंदर वो आवाज़ थी फ़ैन बेल्ट वाली और उसका मैंने सोल्यूशन बताया था कि आपके पास कोई भी चैन स्प्रे हो तो उससे आप जो है ड्राई अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी उसमें क्या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं उससे भी वो वो नॉइज़ आती है लेकिन इसमें जो नॉइस थी ना वो सीट फैन बेल्ट की तो थी थी प्लस उसकी जो रेडिएटर पुली है ना उसकी वजह से भी जो नॉइस आ रही थी और ये बात मुझे सजेस्ट की थी किसी भाई ने कमेंट में वो आपको मैं यहाँ ऐड करके बता दूंगा किसने की थी और पहले तो उनका थैंक यू क्योंकि उनका भी कमेंट देखने के बाद में थोड़ा सा मैंने भी नोटिस किया और फिर मैं इसको मैकेनिक के पास लेके गया था उसमें थोड़ा सा था इशू तो मैंने इसको रिप्लेस ही करवा दिया कुछ आवाज़ तो उसकी वजह से एकदम खत्म हो गई फिर इसका फैन बेल्ट आपको पता है गाड़ियों के फैन बेल्ट ना नंबर के हिसाब से आते हैं इसमें जो लगता है टू जीरो नाइन सिक्स या नाइन फोर करके कोई नंबर आता है वो नंबर का फैन बेल्ट लगता है बट इसमें जो लगा हुआ था ना पहले से वो आई थिंक टू जीरो थ्री एट करके ऐसा कुछ लगा हुआ था उसकी वजह से भी काफी थोड़ा सा डैमेज हो गया बॉड इंजन का पार्ट है ना वो जो असेंबली है वहां से थोड़ा सा वो डैमेज हो गया उस फैन बेल्ट की वजह से और कुछ आवाज उसकी वजह से भी आ रही थी मैंने कल दोनों चीजें चेंज करवा दी है इसकी वो सोल्यूशन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा सजेशन जो आपने दिया उसको मैंने देखा भी थोड़ा तो आपके कमेंट्स मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ ध्यान रखना इस बात का और आप इस वीडियोस पे जो भी कमेंट करेंगे जयपुर के आसपास सॉल्यूशन देना आप चंडीगढ़ दिल्ली के सॉल्यूशन मत देना प्लीज़ हाँ अगर स्पीड मीटर सेंसर की व्यवस्था कर सकते हो ना कैसे भी कर करा के वो सजेशन आप मुझे कमेंट में आराम से दे सकते हो उसके लिए आपको बहुत बहुत, बहुत पहले से थैंक यू मुझे पता है बहुत सारे लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रखते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर वो लोग जो वीडियो देखते हैं मेरे तो उसके लिए भाई कोई भी आपका नॉन अननोन भाई कोई भी कनेक्शन हो तो इसका स्पीड मीटर सेंसर की जुगाड़ करवा दीजिए और ये स्पीडोमीटर सेंसर ना मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि और कोई टेक्निकल इशू हो नहीं सकता आपको जो लगता है वो आप कमेंट में बताओगे बताओगे प्लस मुझे जो नीड है स्पीडोमीटर सेंसर की प्लीज़ वो आप जुगाड़ करवा दीजिए बाकी गाड़ी में कोई गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की लड़ नहीं है टेंशन तो आप क्यों लोग गाड़ी तो मेरी मेरी है वैसे भी है ना लेकिन है ना आपको आपकी अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है पुरानी शै कोई भी गाड़ी और आपको किसी भी तरीके की मेंटेनेंस से रिलेटेड हेल्प कोई सजेशन चाहिए तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके जो है बढ़िया सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दे दूंगा उसके लिए आप टेंशन मतलब बट अभी आप जो है मेरी हेल्प करो थोटी सी और ये एक बार ठीक हो जाएगा तो आपके लिए अलग से स्पेशल थैंक्स वाली वीडियो बनाई जाएगी ठीक है भाई लोग और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लंबी वीडियो कर दी फालतू में मैंने इसको इतनी छोटी बात बोलने के लिए क्योंकि आपको फैन बेल्ट वाली बात मैं बताने लग गया था और चलते मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में जैसे ही आप कोई अच्छा सोल्यूशन दोगे और वो सोल्यूशन काम कर गया तो उसके बाद में अगली वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे तो बाय बाय टेक केयर भाई लोग गाड़ी अगर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिएगा टेक केयर जय हिंद जय जह भारत